हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी बहुत ही हटके है, बहुत ही अलग है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो हम जो बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगी, क्योंकि ये बहुत ही आपको पसंद आने वाली है। ये बहुत ही क्यूट सी वीडियो बनेगी, इसमें हम बहुत सी क्यूट सी चीज़ बनाएंगे जो आप देखते ही अपने घर जरूर ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ही हम इजी ट्रिक से आपको बताएंगे कि हमने क्या चीज़ से किस चीज़ से क्या चीज़ बनाई है। तो फ्रेंड्स, अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपको इंतजार ना करते हुए अब हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस हैंकी के कपड़े से आपको जो बेबी के बूट्स बनाकर दिखाएंगे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। हैंकी के जो मेजरमेंट है, ये हमारा 10x10 इंच का हमने ये हैंकी लेना है, क्योंकि इसका ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा होता है तो ये बूट बहुत अच्छे बनेंगे इसके। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हम इनको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे सेंटर में से इसको कट कर देंगे। देखिए, मैंने सेंटर में से इसको कट कर दिया है। अब हम बेबी बूट बनाने के लिए इस पर निशान लगा लेंगे। हम इनको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है, जो इस साइड से हमारा ये बन साइड है, इस साइड से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड से हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। हमने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया, यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा लिया है। 0.5 इंच का निशान ऐसे हल्की ही शेप इनकी देनी है, बिल्कुल राउंड शेप में। ऐसे हमने यहाँ पर इसकी हल्की शेप दे दी है और इधर से भी हम इसकी हल्की सी यहाँ पर ऐसे शेप दे देंगे। ऐसे देखिए, ये हल्की हमने यहाँ पर शेप दे दी है और यहाँ पर अब हम इसी शेप में इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा यहाँ पर भी है, इस पर भी हम यहाँ पर भी हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो हमारी ये कुछ इस तरह से शेप आई है, पर ये रखकर इसको भी इस तरह से कटिंग कर देंगे। देखिए, ये हमने ऐसे इसकी कटिंग कर दी है। ये हमारी जो बेबी बूट्स है उसकी कटिंग हो गई है। ये ऊपर की साइड से हम दोनों साइड से ऐसे इसको फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। देखिए, हमने दोनों सिलाई लगा ली है। अब हम ये इलास्टिक लेंगे, ये हमने सॉफ्ट वाली इलास्टिक ली है, जो हम मास्क में लगाते हैं वो हमने इलास्टिक ली है। सेफ्टी पिन की सहायता से इस इलास्टिक को इसके अंदर ऐसे डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों साइड से हम इनको ऐसे पकड़ लेंगे और एक सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे, एक सिलाई यहाँ पर, क्योंकि हमारी ये इलास्टिक निकलने की नहीं। फ्रेंड्स, मैंने इसमें सिलाई लगा दी है, देखिए, और इसी तरह हम इसमें ऐसे डाल लेंगे इलास्टिक। अब हम इनको ऐसे फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर और इसके पूरे पर ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये दोनों पर हमने ऐसे सिलाई लगा दी है। अब हम इनको ऐसे सीधा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे बेबी बूट है ऐसे बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर हमारे ये बेबी बूट ऐसे बने हैं। बिल्कुल एक छोटे से रुमाल से हमने ये बेबी बूट ऐसे घर पर बनाए हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट है, इनका कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट है, ये बहुत ही गर्म है, सर्दियों में ये बहुत ही काम आएंगे। तो आप भी ऐसे ही घर पर बेबी बूट ऐसे बना सकते हैं एक रुमाल से ही। अगर आपके पास रुमाल भी नहीं है तो आप ऐसे ही सॉफ्ट कपड़े से भी बना सकते हैं। देखिए, इलास्टिक से ये हमारा अच्छा स्ट्रेचेबल हो गया है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ ऐसे ही नई चीज़ें बनाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।